दुनिया की एक ऐसा साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट जिन्हें हर कोई एक आवाज में पहचानता है। एक ऐसा साइंटिस्ट जिन्हें 1963 में 21 साल की उम्र में एक रेयर मोटर न्यूरॉन डिजीज होने की वजह से उनका शरीर धीरे धीरे पैरालाइज हो गया था और उन्होंने बोलने की एबिलिटी को भी खो दिया था। डॉक्टर्स ने बोल दिया था वो 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, परंतु उनके जीने की इच्छा के कारण उन्होंने डॉक्टर्स के बात भी गलत सिद्ध करके 55 साल तक जिंदा रहा। और उन्होंने इन 55 सालों में बहुत सारे थ्योरी और फ्यूचर प्रेडिक्शंस करके साइंस के फील्ड में अपना ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर स्टीफन हॉकिंग के बारे में, जिनका जन्म 1942 में आज के दिन यानी कि 8 जनवरी में हुआ था।